काशी के लिए आज सौगातों का दिन है। भोले बाबा की नगरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को नई पहचान मिलने वाली है, जिसका गवाह बनने के लिए काशी में क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों का जमावड़ा लगा है। लेकिन कहा जाता है ना, काशी में कोई भी काम हो सबसे पहले हाजिरी बाबा भोलेनाथ के दरबार में लगाई जाती है। तभी तो काशी पहुंचने के बाद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने देवों के देव महादेव के दरबार पहुंचे और पूजा अर्चना की। सचिन तेंदुलकर के साथ रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जैसे महान क्रिकेटर भी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी। इस खास मौके पर देश के दिग्गज क्रिकेटरों को अतिथि के रूप में बुलाया गया है, जिसमें मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट भगवान सचिन तेंदुलकर समेत रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, कपिल देव जैसे दिग्गज शामिल हुए। बीसीसीआई सचिव जय शाह भी इस दौरान मौजूद रहे। बता दें कि शनिवार की सुबह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद सचिन तेंदुलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सचिन के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह भी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान सचिन ने भगवान शिव पर जलाभिषेक कर उनकी आराधना की। काशी विश्वनाथ मंदिर में सचिन तेंदुलकर के साथ पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व मुख्य कोच रह चुके शास्त्री भी नजर आए। इसे लेकर सचिन ने एक फोटो भी सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की, जिसमें सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और दिलीप सचिन तेंदुलकर के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ सचिन ने 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जीत की शुभकामनाएं दी और लिखा, उन्होंने 1983 की जीत के साथ नींव रखी और मुझे 2011 में खुशी का अनुभव हुआ। उम्मीद है कि मौजूदा टीम 2023 में इसे घर ले आएंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखती है। गंजारी में बनने जा रहा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बहुत अनूठा होगा। इसे भगवान शिव से जुड़ी वस्तुओं की थीम पर बनाया जा रहा है। स्टेडियम के बाहर विशाल त्रिशूल बनाए जा रहे हैं, जिन पर फ्लड लाइट लगाई जाएगी। स्टेडियम की मुख्य बिल्डिंग को डमरू की थीम पर बनाया जा रहा है। स्टेडियम का एंट्रेंस बेलपत्र की तर्ज पर बनेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा स्टेडियम के निर्माण पर बीसीसीआई 330 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की जगह होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।